हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऋषि प्लांट्स केयर में। तो आज हम बात करेंगे प्लूमेरिया प्लांट्स के बारे में, इसको चंपा भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट में कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो देखिए, तो आज हम जानेंगे इसकी केयर के बारे में, और अगर आपके भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हम क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे प्लांट की हाइट देखिए, कितनी हाइट है। ये मैंने एक प्लास्टिक के ड्रम में लगा रखा है और उसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए कितने अच्छे से नई नई लीव्स इसमें निकल रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने प्लांट को चाहते हैं कि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छे से हो उसकी, तो आप को इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप, अगर आपके पास ये पहले से है प्लांट, तो आप फरवरी के महीने में अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दें, और जो आपके पास फर्टिलाइज़र हो जैसे बर्मी कंपोस्ट, काउडंग, जो भी हो, तो उसी समय आप उसमें ऐड कर दें। तो उससे ये अपने समय पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि फरवरी का महीना वेस्ट होता है इसमें कोई भी खाद ऐड करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने प्लांट को बुशी करना चाहते हैं, तो बस आप इसकी जो है कटिंग करते रहें। मैंने भी देखी यहाँ से, ये अपने प्लांट में से कटिंग कर दी थी, और इसी तरीके से मैं कटिंग करके इसके नए प्लांट्स तैयार कर लेती हूँ। और देखिए, एक जगह से कटिंग करिए और इसमें तीन ब्रांचेज निकल कर आ रही हैं इस तरीके से। तो बस ऐसे ही है, अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये बहुत बुशी हो जाएगा आपका प्लांट, और बहुत सुंदर भी लगता है। और इसी प्लांट में से फ्रेंड मैंने दो तीन प्लांट तैयार कर लिए हैं कटिंग करके, और देखिए किस तरीके से नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आपको अगर कटिंग ग्रो करनी है, तो बस ऐसे ही एक आप इसकी कटिंग ले लें, और उसे डायरेक्ट तभी ना लगाएं, दो तीन दिन के लिए उसे ऐसे ही रख दें शेमी शेड जगह पर, और फिर दो दिन बाद तब उसकी कटिंग को आप लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कितनी छोटी सी बोतल में मैंने ये कटिंग लगा दी थी, और अब इसकी नई नई लीव्स निकल रही हैं। और जब ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा और भी, तो मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें ही लगा रहने दूँगी। तो देखिए मेरे प्लांट्स की हाइट कितनी है, देखिए फ्रेंड्स। और ये एक प्लास्टिक के छोटे गमले में लगा हुआ है। वैसे तो अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और इसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए फ्रेंड। बस ये एक मेरे पे ड्रम पड़ा था, तो इसको मैंने कटिंग करके इसमें लगा दिया। इसकी मिट्टी फ्रेंड आप वेल ड्रेन तैयार करें, और इसमें पानी आप तभी डालें जब इसकी ऊपर से 1 से 2 इंच की मिट्टी सूख जाए। इसमें जल्दी जल्दी फ्रेंड पानी ऐड नहीं करना है। विंटर में तो इसमें जब इसकी मिट्टी आपको लगेगी ड्राई हो गई, तभी पानी डालें, क्योंकि विंटर में जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर उस समय पर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट ख़राब होने लगेगा। तो विंटर में आपको बहुत ध्यान रखना है। ये जो प्लांट है, ये सन लविंग प्लांट होता है। अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी। वैसे आप इसे शेमी शेड जगह पर भी लगा सकते हैं, पर उसमें ये फ्लावरिंग आपको बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिलेगी। तो बस फ्रेंड्स, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू।